चलो चलो यार, मैं बैंक तो आ गया, अब मैं अपने 500 बिलियन डॉलर्स विड्रॉ करवाने वाला हूँ। हेलो सर, मुझे मेरे 500 बिलियन डॉलर्स कैश में चाहिए, अभी क्या अभी? अरे सर टेंशन मत लीजिए, अभी करके देता हूँ, 2 मिनट दीजिए। आज तो बहुत मजा आने वाला है, 500 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे। आज तो अपन इस बैंक में चोरी करके रहेगा। ये लो सिक्योरिटी वालो, सब के सब अपने हाथ ऊपर कर लो, यहाँ पर चोरी होने वाली है। कोई भी लेगा नहीं। अरे अंकल क्या कर रहे हो, चोरी करना पाप होता है। अबे काले लड़के कुछ भी बोल मत, वरना तो जोड़ा दूंगा। ए मैडम जल्दी जल्दी हाथ ऊपर कर। मैं हाथ ऊपर नहीं करने वाली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तो पुलिस ऑफिसर है तो ये ले। बॉयज सारे के सारे गेट बंद कर दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। ए बैंक मैनेजर जल्दी जल्दी सारा का सारा पैसा दे दे। अरे हमारे बैंक में पैसा नहीं है। क्या तेरे बैंक में पैसा नहीं है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा तेरी तो। जल्दी की जल्दी सारा का सारा पैसा निकाल। अरे हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं है तो तेरे साथी को मार देता हूँ, अब देगा कि नहीं पैसा? अरे हाँ देता हूँ, सारा पैसा ले जाओ, सारा का सारा पैसा। जल्दी जल्दी दे वरना गोली मार दूंगा। अरे मैंने तुम्हें सारा का सारा पैसा दे दिया, अब मुझे छोड़ दो। हाँ बैंक मैनेजर अब मैं तुझे छोड़ दूंगा, चुपचाप अंदर चले जा, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। बॉयज चलो गाड़ी निकालो, पैसा मिल गया हमें। अरे बार बार बच गए, चलो जल्दी से पुलिस को फोन कर देता हूँ। अरे भाई साहब वो चले गए, अब खड़े हो जाओ। अरे अच्छा है मैं बच गया, मुझे मारा नहीं। चलो आप मेरे फटाफट से 500 बिलियन निकाल दो। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो, कौन से पैसे? अरे मेरे पैसे जो कि मेरे बैंक अकाउंट में थे। अरे भाई साहब अभी आपने देखा नहीं क्या, आपके सारे के सारे पैसे वो चोर लोग ले गए। क्या मेरे पैसे? हाँ हमारे बैंक में जितना भी कैश था वो सारे के सारे चोर चुरा कर ले गए, और आपका पैसा भी उन्होंने चुरा लिया। अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे पास जितना बैंक बैलेंस था वो सारा का सारा गायब हो गया, उन चोरों की वजह से मैं तो रोड पर आ गया। मेरे 500 बिलियन, चोर मेरे 500 बिलियन दे दे, मेरे 500 बिलियन। ये क्या था, मेरे 500 बिलियन का है। अरे मेरे 500 बिलियन का है, अच्छा वो तो बैंक में थे, रुचो देखे दो, मेरे 500 बिलियन। एक सेकंड, ये क्या, यहाँ पर तो पड़े मेरे सारे के सारे पैसे, पूरे के पूरे 500 बिलियन डॉलर्स मेरे बैंक में पड़े। अच्छा ये सपना था क्या? अरे कैसे, अभी मैंने बहुत ही ज्यादा बुरा सपना देखा कि मेरे 500 बिलियन डॉलर्स चोरी हो गए, जो कि पिछले वाले चैलेंज में मैंने जीते थे। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने एक आयरन मैन के साथ चैलेंज किया था, उसमें मैं 500 बिलियन डॉलर्स जीता था, और मैंने आपको बोला था कि अगले एपिसोड में हम वो 500 बिलियन डॉलर्स खर्च करने वाले। तो गाइस वो टाइम आ चुका है, आज की वीडियो में हम लोग उड़ाने वाले हैं 500 बिलियन डॉलर्स, मतलब उड़ाने नहीं वाले, बहुत सारी चीजें खरीदेंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अच्छा यार वो सपना सच नहीं हुआ, वरना मैं तो रोड पर आ जाता। चलो फटाफट से अपनी गाड़ी में बैठते हैं, और कल मैंने एक खतरनाक सी मर्सिडीज AMG खरीद ली थी, मेरे पास जितने पहले पैसे बचे थे उसके बाद मेरे पास 500 बिलियन डॉलर्स आ गए, तो अब तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके हैं। तो आज हम खरीदने वाले हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि गाड़ियां, प्लेन, घर, हेलीकॉप्टर, जो भी चीजें आप सोच सकते हो वो सब का सब खरीदेंगे, क्योंकि हमारे पास है 500 बिलियन डॉलर्स। पर सबसे पहले क्या खरीदा जाए ये सोचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी आपको दिखाता हूँ हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है। ये देखो यहाँ पर हम बहुत सारे खतरनाक प्लेन खरीद सकते हैं, जैसे कि ये खतरनाक सा गोल्डन जेट, गोल्डन हेलीकॉप्टर, जो कि हम खरीदने भी वाले हैं। पर हमारे पास और यहाँ पर भी ऑप्शन है 10 बिलियन डॉलर्स की एक कार, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है, 500 बिलियन यानी अनलिमिटेड पैसा। तो गाइस सर मैं तो बहुत सारी चीजें खरीदने ही वाला हूँ, अगर आपके पास कोई आइडिया हो कि मैं क्या खरीदूं तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और अभी मेरे बैंक अकाउंट में इतना सारे पैसे हैं कि मैं आप सभी के लिए भी कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो, वो मैं 500 बिलियन डॉलर से खरीद के दे दूंगा। चलो फटाफट से चलते अपनी सबसे पहली शॉपिंग करते हैं। तो गाइस लास्ट वीडियो में कुछ कमेंट्स पड़े कि काफी भाई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वरुण भाई मुझे अर्निंग का कोई सोर्स बताओ, मैं स्कूल कॉलेज में हूँ या जॉब कर रहा हूँ एंड मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है। तो आगे का 30 सेकंड आप ध्यान से सुनना। मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च करा और मुझे पता चला कि मार्केट में एक न्यू इंडियन गेमिंग कंपनी आई है, जो कि MGA और आईटेक लैब जैसी ट्रस्टेड सोर्स से वेरीफाइड है, एंड इसमें पैसे कमाना बहुत ईजी है, बस साइन अप करो और वेरिफिकेशन होते ही आपको मिल जाएंगे
जाएंगे 500 रुपीज एज बोनस। अब देखो इसमें गेम है माइंस एंड मैंने अपने बोनस में मिले 500 रुपए को इस लो रिस्क गेम में लगाकर जीत लिए पूरे 1000 रुपए। एंड अभी मैजिक देखो, मैंने 1000 वापस से लगाए और जीत लिए 2000 रुपए। अब मैं इस विनिंग अमाउंट को विड्रॉ करने जाऊंगा एंड ये पैसे आ गए मेरे अकाउंट में इंस्टेंटली। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने बोनस में मिले 500 रुपए को मैंने 2000 कर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लिया, और वो भी तब जब मैंने इसमें सिर्फ 5 मिनट स्पेंड किए। एंड आप भी दिन का इसमें आधा घंटा देकर 5 से 10 हजार आराम से अर्न कर सकते हैं, और ये ऑफर बस कुछ दिनों के लिए। तो अभी से लग जाओ और अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट करो एंड मेरा प्रोमो कोड यूज करो वरुण द गेमर गेम्स में अपने विनिंग चांसेस बढ़ाने के लिए। तो गाइस यही सबसे अच्छा रहेगा कि हम सबसे पहले कार्स की शॉपिंग करें, क्योंकि कार्स होती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कोई अच्छा सा कलेक्शन भी दिख रहा है, तो फटाफट से चलते हैं और ये सारे की सारी गाड़ियां खरीद लेते हैं। हेलो सर, मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये सारी की सारी गाड़ियां खरीदनी है। अबे अपनी शक्ल देखिए क्या, सारी गाड़ियां खरीदेगा, ये सारी गाड़ियां कम से कम $20 मिलियन की आएगी। क्या सिर्फ 20 मिलियन? सिर्फ नहीं, 20 मिलियन, स्पेलिंग भी आती है 20 मिलियन की। अरे ये तो ज्यादा ही बोल रहा है, ये मेरी बेइज्जती कैसे कर रहा है। मेरी बात सुन, पहले तो मैं सिर्फ ये गाड़ियां खरीदने वाला था, अब मैं तेरा पूरा का पूरा शोरूम खरीदूंगा। बता कितने का है? अरे रहने दे, तू नहीं खरीद पाएगा। बता रहा है कि मारू गोली? अरे बता दो, $100 मिलियन। हाँ ये हुई ना बात, जल्दी से अपना अकाउंट नंबर बता। क्यों, क्या करोगे? अरे बता दे, गोली मारू? हाँ लिखो, 8154668843। और ये $150 मिलियन सेंड। अरे ये क्या, तुमने 150 मिलियन क्यों भेज दिए? मैंने तो सिर्फ 100 बोला था। 100 मिलियन तो तेरे शोरूम के, और 50 मिलियन तूने मेरी बेइज्जती करी थी ना, इसलिए मैं तुझे मुक्का मारूंगा। ये आज से ये शोरूम मेरा हो चुका है, ये शोरूम खाली कर देना। तो काइजर वैसे तो मैं यहाँ पर सिर्फ गाड़ियां खरीदने आया था, पर पूरा का पूरा शोरूम ही खरीदना पड़ गया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बातें कर रहा था। पर आप देख सकते हो हमने एक खतरनाक गाड़ी ले लिए, एक और मर्सिडीज मैंने ले लिए, मेरे पास ऑलरेडी एक मर्सिडीज थी और अभी एक और उड़ चुकी क्योंकि ये मर्सिडीज बहुत ही ज्यादा मुझे मस्त लगती है। और यहाँ पर हमें खतरनाक लैम्बोर्गिनीज भी मिल चुकी है, जैसे कि ये वाली लैम्बोर्गिनी कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। चलो इसको फटाफट से लेके चलते हैं। और गाइस अभी मेरे बैंक अकाउंट में कुछ मतलब हिला भी नहीं थोड़ा सा भी, अभी भी मेरे पास $485 बिलियन बचे, उनको भी खर्च करेंगे, उससे पहले मुझे काम करना है। चलो फटाफट से चलते, वो काम करके आते हैं, उसके बाद वापस से शॉपिंग करेंगे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं खतरनाक सी बस लेके इस बढ़िया सी जगह पर, जहाँ पर रहते हैं बहुत सारे लोग, और वो लोग यार सही में बहुत ही ज्यादा गरीब है और बहुत टाइम से इधर रह रहे हैं। ना उनको ढंग से खाना मिलता है यार, ना यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, यहाँ पर हालात बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए आज हम इनकी मदद करने आ चुके हैं। फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर लगाते हैं, सबके सब जल्दी जल्दी यहाँ पर लाइन लगाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अरे अरे क्या हो गया? मेरी बात सुनो, मुझे पता है आप लोगों की यहाँ पे हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ तो खराब है तो क्या हो गया, और खराब करने आया है? ले जा जो बच्चा है हमारे पास, सब ले जा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ तुमसे लेने नहीं आया हूँ, मैं तुमको देने आया हूँ ये बस। अबे इस बस का हम क्या करेंगे? अरे आप बस का हम क्या करेंगे, हमें बस नहीं चाहिए। अरे मैं तुमको बस नहीं दे रहा हूँ, मतलब तुम्हारे लिए लेके आओ, इसके अंदर बैठो और मैं तुम सबको लॉस सैंटोस शहर लेके जाने वाला हूँ। अरे क्या तुम हमको मारना चाहते हो? यहाँ पर तो हमें ढंग से खाना नहीं मिलता, वहाँ पर कैसे खाना खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पिएंगे? उसकी टेंशन तुम लोग मत लो, मैंने तुम्हारे लिए पूरा का पूरा होटल बुक कर लिया है, मतलब खरीद ही लिया है, जिसमें तुम सबके सब लोग रहने वाले हो। बस फटाफट से इस बस के अंदर बैठो और हम जाने वाले उस खतरनाक से होटल पे जहाँ से आज तुम रहने वाले हो। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे झूठ नहीं बोल रहा, सही में बोल रहा हूँ। वहाँ पे खाना पीना नहाना सब का सब फ्री, और जिसके पास जॉब नहीं उसको जॉब मिलेगी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी और जो चाहिए वो सब। क्या तुम तैयार हो? अरे फिर तो बहुत ही मजा आएगा, तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं करोगे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। आ जाओ सबके सब बस में बैठ जाओ, हम जाने वाले हैं लॉस सैंटोस। अरे चलो चलो, ये बस तो हमें लॉस सैंटोस लेके जाएगी, हमारा जीवन चेंज होने वाला है। आते जाओ सब बैठते जाओ, सारे के सारे जने जब बस में बैठेंगे तब ये बस चलेगी। आते जाओ अंकल, आपकी बारी। मैं भी लॉस सैंटोस जाऊंगा, चलो चलो चलो।
तो गाइस यार अब यहाँ पर सारे के सारे लोग बैठ चुके हैं और इस बस को लेके जाने वाले हम सीधा लॉस सेंटोस। इसमें 60 से भी ज्यादा जने, मतलब 60 प्लस जनों को हम लेके जा रहे हैं लॉस सेंटोस। उस होटल में इनको रुकवाएंगे, फ्री खाना, फ्री पानी, अनलिमिटेड बिजली और सब चीजें इनको मिलने वाली है सिर्फ एक ही जगह पर। और गाइस यार मैंने पूरे की पूरे 100 बिलियन डॉलर्स इनके ऊपर खर्च करने वाला हूँ, क्योंकि सब लोगों को जॉब मिलेगी। जो स्कूल जाना चाहते हैं स्कूल जाओ, कॉलेज जाना कॉलेज जाओ, सबका सब फ्री होने वाला है पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो 100 बिलियन डॉलर्स मेरे यहां लग गए। तो अब मेरे पास बचे 340 बिलियन डॉलर्स। अभी टोटल मेरे पास बचे 340 बिलियन, भी बहुत ही ज्यादा है। हम इससे भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। चलो बड़ा बड़ा इनको लॉस सेंटोस छोड़ते हैं। तो गाइस यार हम आ चुके हैं इन सभी के नए घर पर। इसका नाम है जनसू टावर। और गाइस यार इस बिल्डिंग में पूरे के पूरे 100 फ्लोर और 100 और हर फ्लोर पर 100-100 कमरे। तो इधर बहुत ही ज्यादा लोग रह सकते हैं, मतलब यार 10-15 हजार लोग तो आराम से यहाँ पर रह ही सकते। तो फटाफट से अपनी बस को यहाँ पर रोकते हैं, सबके सब बाहर आ जाओ, हम अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। हाँ ये बहुत ही खतरनाक है। और ये सब आपके लिए, ये बड़ा सा स्विमिंग पूल, ये बढ़िया बढ़िया स्लाइड, सबका सब आपके लिए होने वाला है। सबके सब मजे करो और कुछ भी काम हो तो मुझे फोन कर देना। तो गाइज़र इनका काम मैंने यहाँ पर करवा दिया है। और गाइज़र अभी तो सिर्फ मैं 50-60 जनों को लेके आया हूँ, पर यहाँ पर मैं और भी बहुत सारे जनों को लेकर आने वाला हूँ। मैंने अपनी एक वेबसाइट बना दी है जिसमें जिसके पास भी पैसे नहीं है वो यहाँ पर आके इस खतरनाक सी बड़ी सी बिल्डिंग में रह सकता है और उनके लिए सबका सब फ्री होने वाला है। तो चलो बड़ा वर्ड से चलते हैं। आप देख सकते बिल्डिंग कितनी ज्यादा बड़ी है, पूरे के पूरे 100 फ्लोर है इस पर और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो गाइस यार हमने एक अच्छा काम तो कर दिया, अब बारी खतरनाक खतरनाक काम करने की, मतलब अपना पैसा उड़ाने की। हमारे पास 340 बिलियन डॉलर्स अभी बचे और मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है। रुक जाओ, इधर खड़े खड़े शॉपिंग करेंगे। फटाफट से अपने ट्रेवल ट्रांसपोर्ट खोलेंगे, हम जाएंगे प्लेन्स में और ऊपर ही हमें गोल्डन जेट दिख रहा है, खरीद लेते हैं। अब बारी इस गोल्डन हेलीकॉप्टर की, खरीद लेते हैं। अरे एक सेकंड, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें, एक काम कर लेते हैं, इनकी पूरी वेबसाइट खरीद के ये सारा का सारा सामान हमारा होने वाला है। ऐसे खरीदेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक बार में सारी की सारी चीजें खरीदते हैं। जल्दी जल्दी सबको फोन लगाता हूँ, मुझे लॉस सेंटोस में जितनी गाड़ियां, बोट्स, प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, जो जो महंगी महंगी चीजें हैं मुझे वो सब की सब चाहिए। इसलिए उसके लिए मुझे फोन करना पड़ेगा हमारे डॉम भाई को, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हेलो डॉम भाई। अरे फ्रैंकलिन बोलो क्या हो गया। मुझे लॉस सेंटोस की सारी महंगी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, प्लेन्स, बोट्स, सबका सब चाहिए, वो भी आज की आज। अरे फ्रैंकलिन मिल तो जाएगा पर 50 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। कोई बात नहीं, जल्दी से सारा का सारा सामान अरेंज करो, 50 बिलियन आपको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो गाइस यार अभी मैंने बात कर लिया हमारे डॉम भाई से और उन्होंने बोला है कि वो सारा काम करवा देंगे। एक सेकंड, ए भाई साहब रुको रुको, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे आपकी बाइक खरीदनी है, कितने लोगे? एक काम करो, 10,000 दे दो। 10,000 क्या, 1,00,000 ले लो, ये लो। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, $1,00,000 की ये बाइक खरीद ली है। वैसे इस बाइक की वैल्यू 10,000 भी नहीं थी, पर कोई बात नहीं, पैसा बहुत है तो 1,00,000 में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाई सर अभी हमने खतरनाक सी बाइक खरीद ली है और हम सीधा जाने वाले हैं डॉम के पास और आपको दिखाता हूँ मेरी गाड़ियों का कलेक्शन, मेरे प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, बोट, सब चीजों का कलेक्शन अभी आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद सबसे मेन चीज हम करने वाले हैं जो कि हमारा घर खरीदना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक ही घर में रह रहा हूँ। तो अब बारी आ चुकी है एक और नए घर खरीदने की। तो चलो फटाफट से चलते हैं, पहले डॉम से मिलेंगे फिर घर खरीदेंगे। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो हम पहुंचने वाले डॉम के पास और उसने सारा का सारा इंतजाम हमारा कर दिया है। अरे फ्रैंकलिन जैसा कि तुमने बोला था, लॉस सेंटोस की सबसे महंगी गाड़ियां, बाइक, प्लेन, बोट्स और हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ चुके हैं। अरे थैंक यू डॉम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस यार आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी कार्स आ चुकी है, वो भी महंगी महंगी, सारी की सारी सुपर और स्पोर्ट्स कार यहाँ पर आ चुकी है। ये देखो मर्सिडीज, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, एक और फरारी, ये पता नहीं कौन सी है, बुगाटी भी मुझे दिखी थी यहाँ पर। तो बहुत ही खतरनाक गाड़ियां आ चुकी है और ये F1 रेसिंग कार भी। और गाइस यार 3-3 गोल्डन हेलीकॉप्टर, इतनी सारी बोट्स और ये खतरनाक बड़े बड़े छोटे छोटे प्लेन, ये सब तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये सब मैंने खरीदे सिर्फ 50 बिलियन डॉलर्स में। अब
आप सोच रहे हैं 50 बिलियन तो बहुत ज्यादा है, पर इतनी अर्जेंट डिलीवरी के लिए 50 बिलियन तो दे नहीं पड़ते। और आप देख सकते हैं हमें F1 रेसिंग कार भी मिली है यार। आज तक मैंने कभी F1 रेसिंग कार नहीं चलाई, पर आज हम चलाएंगे क्योंकि हमारे पास है बहुत ही सारा पैसा। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस अब गाड़ियां तो हमने खरीद ली, अब बारी हमारे घर खरीदने की। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और अपना नया नया घर देखने। मतलब मैंने डिसाइड तो करके रखा है कि मैं कौन सा खरीदूंगा, बस पेमेंट करना बाकी है और फाइनल करना बाकी है। चलो फटाफट से उस घर पर चलते ताकि हम उसको फाइनल कर ले अभी के अभी और आज से अभी से उसके अंदर शिफ्ट हो जाए। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा घर आने वाला है और उस घर में है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने घर पर जिसका नंबर है 1100 1100। चलो फटाफट से घर के अंदर डालते हैं। अगर आप में से किसी को आना हो तो याद रखना 1100 हमारा घर का नंबर है और यहाँ पे बड़ी सी पार्किंग भी है। अभी तो मेरे घर पर सिर्फ दो ही गाड़ियां हैं, पर आपको पता है मेरा पूरा का पूरा कलेक्शन है वो आ जाएगा थोड़े दिनों में। अगर वो भी जल्दी से बुला रहा है तो $10 बिलियन और खर्चने के पड़ेंगे। कोई बात नहीं, खर्च कर देंगे। चलो फटाफट से बाहर चलते हैं। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे नए नए घर में। और आप देख सकते हो अंदर घुसते ही सबसे पहले एंट्री से पहले यहाँ पे खतरनाक सा स्विमिंग पूल, और देखते हैं यहाँ पर 12 मस्त सा हेलीकॉप्टर भी खड़ा है। यहाँ से पूरे के पूरे लॉस सैंटोस का बढ़िया व्यू भी आता है। सामने समुंदर है, पीछे पहाड़ है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये। और हमारे पास खुद का प्राइवेट बास्केटबॉल कोर्ट भी है, यहाँ पर हम साथ में बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। अब अपन चलते अपने घर के अंदर, देखते क्या है। यहाँ पर अपना किचन, यहाँ पर बैठ के पूल खोलो, यहाँ बैठ के सोफा में मजे करो, और यहाँ पर हम कोई सी भी मूवी देख सकते हैं बड़ी सी टीवी पे। और ये हमारे गैराज में जाने का रास्ता है जो कि अभी थोड़े टाइम में फुल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा मस्त सा पियानो पड़ा है, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा पियानो बजाता हूँ, कभी बजा के दिखाऊंगा पर अभी टाइम नहीं है। तो देखते हमारे घर में और क्या क्या है। यहाँ पर भी बैठ के मजे कर सकते हैं, डाइनिंग टेबल, दो दो बड़े बड़े सोफा सेट, यहाँ पर बैठो मीटिंग्स करो, क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतने सारे पैसे आ चुके हैं मीटिंग्स करना जरूरी है। यहाँ पर बैठ के मूवी देख सकते हैं, यहाँ पर गरम वाला पूल जिसमें बैठ के आराम से टीवी देखो, हर जगह हमने टीवी लगा दी है। और यहाँ पे एक और, पर अगर इसमें पानी भरते तो ठंडा हो जाता है, और अभी इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है इसलिए सिर्फ गरम पूल चलता है। और हमारा ये सबसे पहला बेडरूम, ये देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा बेड है, यहाँ पर आओ आराम से सो जाओ। यहाँ पर अपना मस्त सा बाथरूम बनने वाला है, और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है। और यहाँ पर है मेरा खतरनाक सा ऑफिस, जहाँ से भी लॉस सैंटोस का बहुत ही ज्यादा मस्त व्यू आता है। और यहाँ पर भी ये बड़ी सी टीवी लगी हुई है, ये देखो ये टीवी मेरे से भी ज्यादा बड़ी है। और देखते हैं इस घर में क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर हमारा खुद का प्राइवेट सिनेमा, यहाँ पर बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खाओ और जो भी मूवी चाहिए मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पाइडरमैन है और भी बहुत सारी मूवीज है। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है फटाफट से कमेंट करके बता देना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और ओपन बेडरूम, ये बेडरूम बिल्कुल ओपन में, यहाँ से अपन अंदर जा सकते हैं और यहीं से बाहर भी आ सकते हैं। और यहाँ पर भी एक स्विमिंग पूल है, इधर पानी नहीं भरा क्योंकि वो ठंडा हो जाता है, सिर्फ ऊपर वाला पानी है। यहाँ से भी बहुत ही तगड़ा वाला व्यू आता है, यहाँ पर अपने बास्केटबॉल खेल सकते हैं, यहाँ पर आराम से बॉल डालो और ये सीधा गोल। और हमारे पास खुद का प्राइवेट जिम भी है, ये देख सकते हो पूरा का पूरा प्राइवेट जिम हमने यहाँ पर बना रखा है। और ये अंकल मुझे ट्रेनिंग करते हैं, इनकी बॉडी देखो कितनी खतरनाक है, एक दिन मेरी भी इनसे भी ज्यादा खतरनाक बॉडी होगी। यहाँ पर हमारा स्टीम लेने का, यहाँ पर आराम से बैठो और एकदम गरम गरम पानी से नहा लो। ये देखो अंकल क्या ही खतरनाक बॉडी बना रहे। अंकल को छोड़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। यहाँ पर कपड़े चेंज करने का है, इधर जाना नहीं है, इधर टॉयलेट है जहाँ पर ये खतरनाक सा बाथटब है, वो भी पूरा का पूरा खुला खुला बाथटब जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। तो गाइस यार ये है हमारा नया नया खतरनाक सा घर जो कि हमने इसको खरीद लिया है। और गाइस यार आपको एक और चीज बता दूं कि इस पर हमने खर्च किए थे $100 बिलियन, क्योंकि इस घर के साथ साथ हमें इसका पूरा का पूरा नेबरहुड मिल गया, मतलब एक पूरी की पूरी कॉलोनी खरीद ली, पूरा एरिया खरीद लिया। आप देख सकते हो ये वाला घर हमारा है, ये वाला घर भी हमारा है, ये वाला भी हमारा है, ये वाला भी हमारा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारी की सारी जितनी आप देख सकते हो फ्रेम में, वो पूरे के पूरे घर हमारे। इस मैप ने हमने ये जो एरिया ना पूरा का पूरा ये हमारा हो चुका है, मतलब हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। इन सारे के सारे घरों में से मैं रोज के रोज घर चेंज कर करके रह सकता हूँ, पर ये वाला सबसे खतरनाक है, तो हम तो यहाँ पर ही रहने वाले। तो फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको घर। मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक
खतरनाक लगा और अभी हम जाने वाले अपने हेलीकॉप्टर में राइड मारने। और अभी भी मेरे पास 240 बिलियन डॉलर्स और अभी भी मेरे पास 190 बिलियन डॉलर्स बाकी है। उनका क्या करूं मुझे नहीं पता। अभी मैं आधा लॉस सेंटोस और खरीद सकता हूं। क्या मुझे आधा लॉस सेंटोस खरीदना चाहिए या फिर और कुछ करना चाहिए? फटाफट से कमेंट करके बता देना क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूं। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसकी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां जाके जॉइन फॉलो करना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अभी देखना मैं क्या इस स्विमिंग पूल में लैंड करूंगा। और ये 3 2 1 वाओ क्या लैंडिंग करी है।